हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह पे जो शायद बहुत सारे यहाँ आसपास रहने वाले लोग भी नहीं जानते होंगे, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और ये है रावण का मंदिर, जो कि बहुत पुराना मंदिर है। ये गांव बिसरख में पड़ता है। और ये रावण का सबसे पुराना मंदिर है, जो कि गांव बिसरख ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आसपास रहने वाले भी इसको नहीं जानते होंगे। यहाँ पे क्या है, गांव बिसरख में ये पुराणों में भी नाम लिया जाता है गांव बिसरख का। और ये जो मंदिर है, ये ऋषि विश्वा ने बनाया था। यहाँ पे ऋषि विश्वा ने शिवलिंग की स्थापना की थी और उसी शिवलिंग की पूजा रावण ने भी की थी। रावण का ये जन्मस्थल माना जाता है। और यहाँ पे रामलीला वगैरह नहीं मनाई जाती है। यहाँ पे रावण का पुतला भी नहीं जलाया जाता, क्योंकि रावण यहाँ का बेटा था। यहाँ पे शोक मनाया जाता है, दशहरे के आसपास यहाँ पे शोक मनाया जाता है। और अब मैं आपको यहाँ का मंदिर दिखाती हूँ, और पंडित जी यहाँ के मंदिर के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं हमें, वो पंडित जी से जानते हैं। देखिए, ये है यहाँ का मंदिर। ये एक लौता शिव जी का ऐसा मंदिर है जो कि अष्टमुखी शिवलिंग बोला जाता है। इंडिया में ये पहला मंदिर है। ये देखिए, ये शिव जी का मंदिर है मेनली, और इसको रावण का मंदिर भी बोलते हैं, रावण मंदिर बिसरख। यहाँ पे एक ऐसी गुफा है जो कि लाल कुआं तक जाती है, और जिसमें से पहले लोग आया जाया करते थे, आते थे जाते थे, बट अभी वो गुफा बंद कर दी गई है, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी सांप बिच्छू वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तो अभी ये गुफा बंद कर दी गई है। यहाँ पे गुफा थी पहले, गुफा है अभी। ये यहाँ पे गुफा थी, मैं आगे तक दिखा देता हूँ इधर से। नहीं, मंदिर की आप सुंदरता देखिए। इस मंदिर में कितने अच्छे से नक्काशी की गई है। कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ वगैरह, कितने अच्छे तरीके से मतलब बनाई गई हैं सब। शिव पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, यहाँ तक कि इसमें आपको रावण की मूर्ति भी बनी हुई मिलेगी। ये शिव जी, शिव, और यहाँ पे भी शिव। ये पंडित जी से जानते हैं, पंडित जी से मंदिर के बारे में हमें क्या क्या बता सकते हैं, और ये मंदिर कितना पुराना है, और इस मंदिर में क्या क्या है, क्या क्या डिटेल्स हैं इन मंदिर की, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी की बातें मुझे अच्छी लग रही हैं। गेट जो बनाते हैं वो भगवान के आगे सिर झुका के चले, इसलिए छोटा गेट किया जाता है। आप आइए, मैं बताता हूँ। ये परिक्रमा जो शिव जी की परिक्रमा लगाई जाती है, वो ऐसे लगाई जाती है, पंडित जी बताएंगे हमें। आधी परिक्रमा लगाई जाती है, उसका जल भी नागा जाता है। अच्छा, क्रॉस नहीं किया जाता है। आपने जो शिवलिंग पे आई है, अष्टभुजा शिवलिंग है, जो कि पूरे भारतवर्ष का इकलौता शिवलिंग है, अकेला है ये। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता है। ये अष्टभुजा का मतलब होता है 8 कोण, 1, 2, 3, 4। ओके, इस शिवलिंग के 8 कोण हैं, जो कि पूरे भारत में सिर्फ इकलौता शिवलिंग है जिसके 8 कोण है, अष्टभुजी शिवलिंग। इसी की पूजा रावण के जो पिता ऋषि विश्वेश्वरा थे, उन्होंने पूजा की थी, उन्हीं के नाम से विश्वेश्वरा से इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वरा था, फिर सरल भाषा में इसको बिसरख किया गया, और रावण और रावण के पिता ने इसी शिवलिंग की पूजा की है। और यहीं से एक गुफा जाती है जो कि दूधेश्वर मंदिर, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, जो कि लाल कुआ गाजियाबाद के पास। अच्छा, समय है ना? हाँ, लाल कुआ गाजियाबाद के पास। तो यहाँ पे दूर दराज के साधु संत जाते हैं। अच्छा। वो तपस्या करते हैं, जिस किसी को जाप करना होता है, जो शिवलिंग के आप दर्शन करते हैं वही वो करते हैं। अभी लिहाजा फिलहाल में बंद है, आप वहाँ तक नहीं जाती है। बट ये गुफा लाल कुआ तक जाती है? हाँ, लाल कुआ गाजियाबाद पहले जाती थी, पहले जाती थी, अभी बंद है। सिंगल होके फेस कर दो ना, अभी कहाँ तक है? लेट जाते तो ये ऐसे जाते पड़ते थे बस, अब इसको फिलहाल में बंद कर दिया गया। अच्छा, यहीं तक है बस, ये ऐसे हैं, सीढ़ियां हैं, सीढ़ी हैं। ओके, तो अभी फिलहाल में जाने की मुझे इजाजत नहीं है ज्यादा। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसमें सांप बिच्छू कुछ भी होता है। हाँ जी, ये शिवरात्रि के टाइम पे सफाई की जाती है। ओके ठीक है, मेरा नाम सुशील तिवारी है।
मैं यहाँ पे गौ सेवा करता हूँ, मुझे 15 वर्ष हो गए। तो यहाँ पे गौशाला भी है और ये देखिए मंदिर का, मंदिर कितना सुंदर और कितना मतलब अच्छे से बनाया गया है। ये तो बाद में बनी होगी बाउंड्री तो। और ये जो चहर दीवारी है जो फूलन देवी के पति उमेश सिंह और फूलन देवी जो उत्तर प्रदेश की सबसे नामी डकैत थी महिला, उसकी हाथ की ये चहर दीवारी है बाउंड्री। अच्छा, फूलन देवी के पति ने ये 4 दीवारियां की थी। अच्छा, मैंने सुना है पंडित जी के मतलब ये जो शिवलिंग है इनको किसी तांत्रिक ने इनकी गहराई तक खोजने की कोशिश की थी बट मिल नहीं पाई थी गहराई इन शिवलिंग की। जो इंदिरा गांधी के जमाने के थे। अच्छा, उन्होंने ये शिवलिंग की खुदाई की लेकिन मिल नहीं पाई इसकी। हाँ, नीचे तक निकले उसी समय तक ये। और यहाँ पे शिवलिंग निकलते रहते हैं और जगह पे भी? हाँ, निकलते रहते हैं कुछ गाँव में भी। अच्छा, अभी हम चलते हैं जहाँ पे रावण का, रावण के पिताजी का, ये रावण की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। और ये देखिए कितना अच्छे से मंदिर की कटिंग, मंदिर बनाया गया है ये। अच्छा पंडित जी, ये जो रावण जी रावण है तो रावण का यहाँ पे क्या कुछ दिवाली जुड़ी में ये शिव जी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रावण को अपना बेटा मानते हैं यहाँ पे। ये ऋषि विश्वई है। हाँ, ऋषि विश्वेश्वरा विश्वेश्वरा। और ये माँ केतसी, उनकी माँ केतसी केतसी। हाँ जी, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी। हाँ। अच्छा, ये अपने जो सिर अर्पित किए थे तो रावण ने वो यहीं पे किए थे? नहीं, वो बैजनाथ है, वो बिहार शनि देव है। अच्छा, ये है नवग्रह सवित शनिदेव मंदिर। शनिदेव देख सकते हैं आज। नवग्रह शनिदेव क्या वो है? इन पे काले तिल और सरसों का एक शनिदेव। हाँ जी, हाँ जी, जो हमारे पास में गलत वो ये विशेष सेवा जो इन्हीं के नाम से विशेष सेवा से विसरक नाम पड़ा। अच्छा, इस इनके जो ऋषि विश्वा हैं इनके नाम से ही इस गांव का नाम बिसरक पड़ा था मेनली। और इन्होंने यहाँ पे शिव जी की पूजा की थी जिसके बाद रावण ने भी आई थिंक यहाँ पे शिव जी की पूजा की थी। और रावण ने इसी शिव तांडव सूतम से जटाटवी गलंजन प्रभाव स्थले गले बलम लंबतम ये 16 छंदों का होता है, इसी से भोलेनाथ को प्रसन्न किया था इसी शिव तांडव सूतम से। तो काफी धुंधला सा हो गया। अब इसको और उसको करेंगे, ये तो बाद में लगा होगा। और ये माँ पार्वती, ये भोलेनाथ, इस रूम में आपने कहीं नहीं देखे होंगे ऐसे। हाँ, सही है। ये सिर्फ परिवार हो गया, माँ पार्वती और भोलेनाथ जी हैं जो कि ऐसे शिव और पार्वती माँ आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ये बिल्कुल अलग इस रूप में कैसे हैं? इस इनका रूप अलग, एक सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि बटेश्वर में जो कि आगरा मंडल में, एक वहाँ ऐसी मूर्ति मिलेगी और एक यहाँ मिलेगी कुछ। हाँ, इनकी खासियत ये। और ये शेर वाले हम इसी रूम में आप रखेंगे कल की भगवान। और वो किसकी थे? वो कार्तिक। हाँ जी, हाँ जी, कार्तिक जी, वो शिव परिवार हो गया, पूरा शंकर जी का परिवार हो गया। और ये लक्ष्मी जी की ये जो रावण के भाई कुबेर जो सोतेले भाई थे। हाँ जी, हाँ जी जी, उनकी पास में जरा चौक पास में चली गई, अगर नहीं आ रहा है नहीं आ जाएगा। श्री राधा ये चंडोल बनी थी यहाँ पे है ना जन्माष्टमी वाले दिन जी। और ये बाबा मोहनराम जो दिल्ली एनसीआर के लोग इनको ज़्यादा मान्यता देते हैं, ये भगवान के रूप में हुए थे। अच्छा, ये साईं बाबा। अच्छा, पूरा बाद में बना हुआ ये बाद में, ये 25 जून 2018 थे। अच्छा, जो शिव की मूर्ति है ये पहली है या ये भी बाद में बनी हुई? नहीं, सबसे प्राचीन वही शिवलिंग है। अच्छा, ये मूर्ति बाद में बनी? ये बाद में, ये इनको 5-6 साल हो गए। इस मंदिर का मेन है ये शिव परिवार, ये शिव जी का परिवार है, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी और ये माता पार्वती और शिव जी महाराज जी। आपने ऐसी शिव जी की और माता पार्वती की मूर्ति कहीं नहीं देखी होगी, ये पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह हैं। ओके, तो यहाँ पे मेनली ये जो गांव बोला जाता है ये रावण का जन्म स्थल है जी। अच्छा, रावण का पुतला नहीं जलाते, अपना बेटा करके मानते हैं। अच्छा अच्छा, और मानते सभी को है। हाँ हाँ, भगवान की भी पूजा करते सबको। हाँ, मानते हैं। हाँ, आप मूर्ति देख रहे हैं सभी। हाँ, देवी लेकिन रावण का आदर करते हैं। रावण को अपना
बहुत पुराना पूर्वज मानते हैं और बेटा करके मानते हैं। और जिस समय हमारे पूरे भारतवर्ष में रावण का पुतला जलाया जाता उस समय यहाँ पर शोक मनाते हैं। अच्छा, इसलिए मनाते कि उनका यहाँ का जन्म हुआ था, इसलिए उस समय आज भी बड़े बूढ़े लोग हैं तो अन्न का ग्रहण नहीं करते, उसमें शोक मनाते हैं। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर रामलीला वगैरह होती है अभी भी या नहीं होती? अब रामलीला वगैरह होती भी है तो रावण का वध नहीं करते। अच्छा, अब होने लगी वैसे? नहीं, पहले एक दो बार लोगों ने नहीं मानी तो कुछ ना कुछ घटना घटित हो गई। अब लोग देखने जाते हैं, गाजियाबाद है और दूर दूर पर यहाँ नहीं होती है, दो चार दिन। अच्छा 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 अच्छा, 24 घंटे ओपन रहता है मंदिर? 24 घंटा ओपन रहेगा। के जो कुबेर और रावण जैसे भाई भाई थे, ये मतलब दोनों अलग अलग माँ के बेटे थे जी। और फिर रावण लंका कैसे गए थे फिर? वो गृह प्रवेश में मिला था शंकर जी के, ने बुलाया था माँ पार्वती के कहने के लिए, जैसे वो शंकर जी ने बनवाया थे माँ पार्वती के कहने के लिए। कहा था कि स्वामी सबका घर मैन है पर अपना क्यों नहीं है, तो भोलेनाथ ने समझाया था कि हमारे आपके नसीब में है नहीं, जंगल पर्वत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये संक्षेप में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका लंबी पीछा ने तो वो जीत पड़ गई। कहते हैं कि बाल हट और क्रिया हट, अगर बालक हट पड़ जाए तो वो जीत कर जाए। ऐसी माँ पार्वती हट पड़ गई भोलेनाथ से, कहने लगी कि स्वामी अपना महल क्यों नहीं, तो सोने की लंका बनाते। तो उसके लिए गृह प्रवेश के लिए किसी विद्वान पंडित को बुलाने की कोशिश की गई, तो कि कौन मिला, तो ऋषि विषय शर्मा को बुलाया गया। ऋषि विषय शर्मा को आमंत्रित किया गया, तो ऋषि विषय शर्मा ने क्या किया, अपने बेटे को रावण को भेज दिया। रावण को भेज दिया तो भोलेनाथ से माँ पार्वती जब गृह प्रवेश होने लगा तो कई पंडित जी दक्षिणा में क्या लगे, रावण ने बोला कि आप दोगे, तीन बार त्रिवाचा भरवाती, तो बोला कि आप अपना महल ही दे दो, तो ऐसे लंकापति रावण कहलाए। तो वो गृह प्रवेश वो दाने में दे दिया था। तो जैसे मैंने पढ़ने में ये आता है कि जो लंका थी वो कुबेर की थी, फिर रावण ने उनसे ली थी, तो कुबेर की नहीं थी, मतलब वो रावण ने वैसे उसमें ली थी दक्षिणा में। पिता के कहने पे ऋषि कुबेर को दी थी उसके सौतेले भाई से, तब उन्हीं से फिर वो रावण ने प्राप्त की थी, ऐसे ही है। अच्छा। उसमें भी बोर्ड में लिखा है। अच्छा। तो रावण का यहाँ पे जो है जन्म स्थल माना गया है, और ये जो मंदिर है यहाँ बहुत पुरातन मंदिर है, हालांकि यहाँ का रास्ता जो है बहुत अच्छा नहीं है अभी, लेकिन मंदिर ये अपने आप में प्राचीन विरासत रखता है। और ये मंदिर अगर आप देखोगे, ये कलाकृति है, तो उसमें सब जो आसपास कलाकृति आप देख रहे हैं ये सब बाद में बनाई गई हैं, लेकिन ये मंदिर अपने आप में बहुत पुरातन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने नोट की कि दरवाजे बहुत छोटे हैं, तो जब हमने देखा कि दरवाजे छोटे क्यों होते हैं तो इसलिए बनाए जाते थे, लोग तो पहले लंबे होते थे काफ़ी, लेकिन दरवाजे छोटे इसलिए हैं कि लोग झुक के इसमें प्रवेश करें, तो जो भगवान के लिए आदर है झुकने का वो हो। और अपने आप में बहुत अच्छा मंदिर है, और कभी आए आप घूमने यहाँ पर तो बड़ा अच्छा है। जब रावण का जन्म यहाँ पर हुआ था तो रावण, लंका का रावण कैसे कहा जाता है, तो वो मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि रावण को लंका का रावण कैसे कहा जाता है, और रावण लंका कैसे पहुँचा, बारे में हमारे पंडित जी ने भी कुछ जानकारी दी थी, बट जो मैंने पढ़ा है वो मैं बता देती हूँ, जो पंडित जी ने जानकारी दी है वो आपने देख लिया होगा। तो चलिए अब घर चलते हैं वापस, क्योंकि रात बहुत हो रही। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये रहा हमारा मंदिर, और इसके चारों ओर बस आने का रास्ता सही नहीं है थोड़ा, अगर रास्ता सही बन जाए, अच्छा बन जाए, तो लोग इस भव्य चीज़ को जो कि इतनी पुरानी चीज़ है उसको देख सकते हैं आके। सो हे गाइस, हम आ चुके हैं रावण मंदिर से वापस, और मेन चीज़ बताती हूँ वहाँ की। हाँ, रावण मंदिर है यहाँ पे पास में, बिसरक गांव है तो वहाँ पे रावण मंदिर है। और रावण मंदिर की मेन क्या चीज़ है, वहाँ पे रावण का जन्म हुआ था बिसरक में, और वहाँ पे उनके जो पिता थे विष्णु शर्मा, उन्होंने तपस्या की थी, फिर रावण ने भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पे तपस्या की थी। और जो लंका का रावण बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी से ये मतलब रिक्वेस्ट की थी कि हमारा भी कहीं पे घर होना चाहिए, तो शिव जी ने वहाँ पे लंका में घर बनाई थी, सोने की लंका बनाई थी पार्वती जी के लिए। जब उसकी पूजा के लिए बुलाया गया था विश्व शर्मा को, तो विश्व शर्मा ने दान में लंका को मांग लिया था, और शिव जी ने वो दे भी दी थी दान में। फिर वो ऋषि विश्व शर्मा ने कुबेर जी को दी थी, और कुबेर जी जो रावण के सौतेले भाई थे, यस, कुबेर महाराज जिनकी हम पूजा करते हैं वो रावण के सौतेले भाई थे, दूसरी माँ के बेटे थे, और उन्होंने उनसे फिर रावण ने छीन ली थी उनसे लड़ाई करके लंका, तो इस वजह से लंकापति रावण हुए थे, और ये उसकी रियल स्टोरी है। तो मैंने आपको सब कुछ दिखाया, और
आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।